दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आया है अपने पास स्विफ्ट बिलेनो। इस मारुति का बिलेनो है, इसका अपन डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। लेफ्ट राइट क्वार्टर पैनल इसका डैमेज है, सामने मडगार्ड और फ्रंट बम्पर है, दोनों साइड स्क्रेचेस। तो इसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। कस्टमर काफ़ी दूर से आया है और जल्दी गाड़ी मांगा है शाम तक, अपने को इसको फटाफट करना है। तो अपना ये डेंट हो गया है और ये अपन इसको 80 नंबर पेपर से अपन डिजाइन कर रहे हैं अच्छे से। फिर इसमें प्लास्टर पुट्टी लगाएंगे अपन। तो प्लास्टर पुट्टी लगाने के बाद इसको फिर सेंडिंग करेंगे। सेंडिंग करने के बाद फिर इसमें अपन अच्छे से फिर उसमें पुट्टी डालेंगे। ये अपना प्लास्टर पुट्टी लगाना शुरू हो गया है। हमारा उदय भाई लगा रहे हैं प्लास्टर पुट्टी इसमें। उसके बाद इसको सूखने के लिए कम से कम आधा घंटा छोड़ेंगे। उसके बाद फिर इसको फिर घिसाई करेंगे। ये घिसाई हो गई अपना सेंडिंग। अब इसमें अपन एनसी पुट्टी अप्लाई करेंगे। अब इसमें एनसी पुट्टी लगा रहे हैं, इसको भी आधा घंटा कम से कम सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको वाटर पेपर 320 से अपन घिसाई करेंगे बढ़िया से। अब घिसाई करने के बाद फिर इसमें मार्किंग उस्किंग करना पड़ेगा। तो अपन ये इसमें घिसाई कर रहे हैं अपन ये। अब इसमें अपन मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग का काम अपना हो गया पूरा। अब इसमें बेस कोट मारेंगे अपन। तो ये अपना बेस कोट मारने के लिए रेडी हो गया है। ये अपन बेस कोट मार रहा है हमारा उदय भाई। ये फाइनल करने वाला है बेस कोट को। फिर इसको आधा घंटा सूखने के लिए छोड़ेंगे। ये अपन फाइनल कोट अप्लाई कर रहे हैं इसमें। इसके ऊपर फिर अपन क्लियर कोट भी डालेंगे जो कि इसको एकदम फिनिशिंग देगा। तो ये अपना पेंट का काम चल रहा है अभी फाइनल। उसके बाद इसमें अपन लेफ्ट साइड हो गया, अभी राइट साइड कर रहे हैं। इसमें ये क्लियर कोट चल रहा है अपना फाइनल। इसी से एकदम फिनिशिंग आएगा ये क्लियर कोट से। आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग आ रहा है। ये एकदम फिनिशिंग लुक उसका। तो मेरा